Hello folks, I'm on a paharuchi. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बेकार। तो उस वीडियो में बोला था कि अब रेगुलर वीडियो डालूंगा, आई एम सॉरी बाबू डालूंगा। वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि एग्जाम्स थे, पढ़ाई थी। हाँ, तुम तो बड़ा टॉप कर लोगे जो पढ़ रहे थे। टॉप नहीं करूंगा, लेकिन पास करने के लिए ही पढ़ना पड़ता है। तो कोरोना के दौरान मैं कॉलेज में एडमिशन हो गया था, लेकिन क्लास ऑनलाइन चल रही थी। लेकिन फिर से हम जब कोरोना थोड़ा ठीक ठाक हो गया था, तब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई। अब जब कोरोना का सेकंड वेव आ गया है, तो अब से फिर से ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ेंगी, और वो भी घर से। तो इसलिए मैं अपने सीनियर्स के साथ घर जाने वाला हूँ मिजोरम से। फिर त्रिपुरा सह लेते हैं थोड़ा, क्या होगा कॉलेज लाइफ की। अरे माँ चुदी पर मेरे बाल भी बहुत लंबे हो रहे हैं, दाढ़ी वाड़ी भी नहीं कटी हुई है, जंगली लग रहा हो। लेकिन वीडियो देखना है, वीडियो देखो, मेरे को क्या देखोगे। तो वीडियो देखो, हम यहाँ से रात को निकलने वाले हैं 8 बजे, फिर रात को यहाँ से सिलचर से फिर बैक अगरतला। एंजॉय द वीडियो। सडनली 2-3 घंटे के बाद यहाँ पर स्टार्ट हो गया बारिश, और यहाँ का बारिश क्या बोलूँ, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखाई देता है। और बारिश के बाद वाला नज़ारा क्या बोलूँ। प्रॉपर लाइट नहीं है, लेकिन इतने अंधेरे में बोलना पड़ रहा है बाय बाय मिजोरम। ₹200 दे और ₹50 कट ओवर एक्टिंग की वजह। लॉकडाउन की वजह से घर जा रहा हूँ, इसलिए कैंपस टूर और रूम टूर का भी बहुत सारा प्लान था, और वेटनरियंस का फर्स्ट ईयर का लाइफ कैसे जाता है वो सारा भी प्लान था। एग्ज़ाम के बाद करूँगा, लेकिन एग्ज़ाम के बाद ही लॉकडाउन आ गया, तो इसलिए नहीं हो सकता ये सब, लेकिन होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, सब होगा। तो अब क्या करें, घर जाना पड़ेगा, लेकिन त्रिपुरा का बहुत सारा कंटेंट आता ही रहेगा, तो वो देखने के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल।
hours later. तो अभी बज रहे रात के एक और अभी हम यहाँ पर उठे थे फ्रेश होने के लिए, खाना खाने के लिए. हम लोग बातें कर रहे हैं, सीनियर्स भी बातें कर रहे हैं, खा रहे हैं कुछ लोग. मैंने सिर्फ एक अमूल लस्सी पिया और कुछ नहीं पिया मैंने. वैसे ये होटल बहुत अच्छा है. अभी रात के 3 बज रहे हैं. हमारे गाड़ी में सब सो रहे हैं, सब सीनियर सो रहे हैं, मेरे दोस्त भी सो रहे हैं. सिर्फ मैं और ड्राइवर अंकल जगे हुए हैं और कोई नहीं जगा हुआ है. तो अभी बज रहे सुबह के 5 और अभी हम आकर पहुँचे सिलचर रेल स्टेशन पर. कुछ देर पहले ही आ गया था लेकिन वो लगेज वगैरह उतारते उतारते थोड़ा देर हो गया. पर आके एक चीज़ ही बुरा लगा कि बहुत लोग थे जो मास्क नहीं पहने हुए थे. सोशल डिस्टेंसिंग का तो कुछ भी नहीं था यहाँ पर. तो कोरोना तो वैसे ही बढ़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हम. सिलचर स्टेशन में आने के बाद देखता हूँ यहाँ पर हमारे बहुत सारे पेशेंट भी है, दूर भी है, वहाँ पर भी बैठे हुए हैं. हाय पेशेंट्स, आप लोग कोई प्रॉब्लम है तो आ जाना मेरे पास, अभी नहीं 5 साल बाद. स्टॉप, बहुत ही दुख के साथ बोल रहा हूँ, इसके बाद का कोई भी क्लिप मैंने शूट नहीं किया. ट्रेन पर उठने के बाद इतना गर्मी लगा सडनली कि हालत पूरा ख़राब हो चुका था. मैं फ़ोन को नहीं हैंडल कर पाऊँगा, इसलिए मैं कोई वीडियो ही नहीं शूट किया. जस्ट थोड़ा गाने वाने का वीडियो है. तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब कर देना. अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो, दुनिया के बस जाए शहनाई उस ओर में भागो. देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक. देख फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल. तो क्या करें भैया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल. देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल. अरे तो क्या करे भैया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया.